बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू रोबोटिक्स। टुडे वी डिस्कस इनपुट डिवाइस। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को कंप्यूटर के हवाले से बताया था, उसके पार्ट्स के हवाले से बताया था। अब इनपुट डिवाइस के हवाले से मैं थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या है, कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स मैंने बताए थे उन पार्ट्स में से इनपुट डिवाइस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। नंबर फर्स्ट अब इनपुट डिवाइस की तरफ आते हैं। इनपुट डिवाइस, डिवाइस दैट अलाउ यू टू एंटर इनपुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, वो डिवाइस जो आप लोग को क्या करे, अलाउ करे कि आप लोग कंप्यूटर को डेटा या इंफॉर्मेशन दे सको। एग्जांपल इसके कौन से है, कीबोर्ड है, माउस है, कीपैड, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा एंड वेबकैम। ये सब क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, ये कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, डेटा ही कंप्यूटर को सेंड करते हैं। आप लोग को जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। माउस भी उसमें है, कीबोर्ड भी उसमें है, स्कैनर भी है, कैमरा भी है, ये सब कुछ आप लोग को जो नज़र आ रहा है ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, ये कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, डेटा सेंड करते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को इनपुट आउटपुट सीपीयू रैम हार्ड ड्राइव सब के बारे में बता सकूँ। नंबर फर्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में तो मैंने आप लोग को बता दिया, जो सीपीयू को क्या करते हैं, डेटा सेंड करते हैं। इनपुट वो डिवाइस होती है विच सेंड डेटा टू द सीपीयू, जो सीपीयू को डेटा सेंड करते हैं, वो क्या है, माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा। अब आउटपुट डिवाइस क्या है, अ डिवाइस विच रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सीपीयू, वो डिवाइस जो सीपीयू से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट डिवाइस क्या काम करते हैं, इनपुट डिवाइस सीपीयू को डेटा सेंड करते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस सीपीयू से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। अब मैं जो ये सीपीयू बता रही हूँ, सीपीयू असल में है क्या चीज, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है कंप्यूटर का। इट डज ऑल द प्रोसेसिंग, ऑल द थिंकिंग, सब प्रोसेसिंग और सब थिंकिंग यही ही करता है सीपीयू। जिस तरह हमारा माइंड हमारे लिए सोचता है, फुल काम माइंड ही करता है हमारे जिस्म का, तो सीपीयू भी कंप्यूटर का ब्रेन ही है। अब हम मूव कर रहे हैं रैम की तरफ। व्हाट इज रैम, दिस इज वेयर प्रोग्राम आर लोडेड। ये कहाँ पर होता है, जहाँ पे प्रोग्राम लोड होता है, व्हेन दे आर ओपन। थिंक ऑफ दिस एज द सीपीयू वर्क स्टेशन, इसके बारे में आप लोग ये सोच ले कि सीपीयू का वर्क स्टेशन है, जहाँ पे सीपीयू काम करता है। नेक्स्ट है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव, दिस इज द लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर प्रोग्राम्स एंड फाइल। हार्ड ड्राइव क्या होता है, इसमें सारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं, सारे फाइल्स और प्रोग्राम इसमें स्टोर होते हैं। आउटपुट के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, अब मैं आप लोगों को आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल्स के बारे में बताती चलूँ। आउटपुट क्या करता है, अ डिवाइस विच रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीपीयू, वो डिवाइस जो सीपीयू से हमारे लिए इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। उसमें से एक एग्जांपल उसका है प्रिंटर। आज मैं आप लोग को प्रिंटर के हवाले से भी बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। अ कंप्यूटर यूज प्रिंटर प्रिंट ऑन अ पेपर। कंप्यूटर प्रिंटर को किस वजह से यूज करते थे, कि वो पेपर पे जो कुछ आउटपुट वो देना चाहते हैं वो प्रिंट कर सके। अ प्रिंटर इज अ मशीन कनेक्टेड टू द सीपीयू बाय वायर। प्रिंटर एक मशीन होता है जो सीपीयू से वायर के थ्रू हम उसको कनेक्ट करते हैं, सीपीयू के साथ हम उसको कनेक्ट कर देते हैं प्रिंटर को। अ प्रिंटर कैन प्रिंट वर्ड्स, नंबर, सिंबल एंड पिक्चर। प्रिंटर क्या करते हैं हमारे लिए, अल्फाज, नंबर, सिंबल्स या पिक्चर जो भी होते हैं हमारे लिए वो प्रिंट कर देता है। अ प्रिंटर ऑन व्हिच एनीथिंग इज प्रिंटेड बाय अ प्रिंटर इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट। प्रिंटर के जरिए जो भी हम प्रिंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको प्रिंट आउट कहते हैं। There are many types of printer. Printer के types भी हैं हमारे पास। मैं थोड़ा printing के हवाले से भी बताती चलूँ कि printing क्या है। Printing is a process for reproducing text and images. Why use printer? Types of a printer. Printer की types अब क्या है? Number first dot matrix. Number second inkjet. Number third laser. Number fourth LCD. मैं आप लोगों को इनकी pictures भी दिखाती चलूँ। डॉट मैट्रिक्स इस टाइप का होता है, इंजेक्ट प्रिंटर इस टाइप का होता है, जबकि लेजर प्रिंटर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये सारे प्रिंटर के टाइप्स ही हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। मैं आप लोग को कुछ शॉर्टकट की भी बताती चलूँ। शॉर्टकट की क्या होती है, अगर हम डायरेक्टली इन नंबर को प्रेस कर ले तो हम जो चाहते हैं वो हमें डायरेक्ट मिल सकता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबको सेलेक्ट ऑल वो करना चाहती हूँ, फुल पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या दबाऊंगी, मैं कंट्रोल प्लस ए दबाऊंगी, कंट्रोल के साथ मैं ए दोनों को इकट्ठे में दबाऊंगी। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी राइटिंग बोल्ड दिखे तो मैं कंट्रोल बी को करूंगी, इसी चीज को कॉपी करना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल सी को प्रेस करूंगी। अब अगर मैंने क्या करना है, पेस्ट स्पेशल, कुछ स्पेशल को मैंने पेस्ट करना है, तो मैं कंट्रोल आल्ट और वी तीनों को मैं इकट्ठे प्रेस करूंगी। अब अगर मैंने क्या करना है, फिल डाउन करना है तो कंट्रोल डी, अगर फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ, अगर कहीं पे जाना है गो टू कंप्यूटर में से तो मैं कंट्रोल जी को करूंगी, अगर मैंने किसी चीज को रिप्लेस करना है कंट्रोल एच करूंगी, इटैलिक में लिखना है कंट्रोल आई लिखूंगी, इंसर्ट हाइपरलिंक करना है कंट्रोल के करूंगी, न्यू वर्कबुक के लिए मैं कंट्रोल न्यू करूंगी, ओपन फाइल के लिए कंट्रोल ओ, जबकि प्रिंट के लिए कंट्रोल बी, फिल राइट के लिए कंट्रोल आल, सेव वर्कबुक के लिए कंट्रोल एस, क्रिएट टेबल के लिए कंट्रोल टी, लाइन के लिए कंट्रोल वी, जबकि फर्स्ट ऑप्शन के लिए मैं क्या प्रेस करूंगी, कंट्रोल एंड वी दोनों को मैं इकट्ठे प्रेस करूंगी, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, पेस्ट हो जाएगा।